जब मैं 10-12 साल का था तब मेरे फादर बाल कटाने सलून ले जाते थे। वो समय मुझे मेरे होने का सबसे ज्यादा एहसास देता था। आफ्टर शेव लोशन की खुशबू और शेविंग क्रीम की खुशबू, वो सब जो मैस्कुलिनिटी की खुशबू थी ना, मैं चाहता था कि वो सब खुशबू मेरे शरीर से भी आए। मुझे नर्सरी से पता था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास कोई हिंदी में भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, कोई वोकैबुलरी नहीं थी जिसमें मैं ये बता पाऊँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं हमेशा बताना चाहता था कि एक लड़की लड़के वाले कपड़े नहीं पहन रही है, एक लड़का ही है जो अपने जेंडर के हिसाब से और उसके अनुसार कपड़े पहनता है। मैं एक पुरुष ही था, मैं एक पुरुष ही हूँ। मैंने अपनी पहली सेक्स एजुकेशन 2018 में ली और तब जाके मुझे ट्रांस आइडेंटिटी, LGBTQI, ट्रांस पर्सन, होमोफोबिक, क्वेयरफोबिक जैसे शब्दों के बारे में पता चला था। तब मुझे समझ में आया कि मैं अब नॉर्मल नहीं हूं। शायद मुझे पहली बार सुकून ना इतने सालों में तब मिला था। जेंडर एजुकेशन ने मुझे मेरी पहचान और ताकत दोनों दी, लेकिन 25 सालों तक मेरा ये खौफ था कि मेरी पहचान अचानक से लोगों को पता लग जाएगी, जिसकी वजह से ना मेरे परिवार को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, खासतौर पे मेरी माँ को। लेकिन आज मेरे पास भाषा होते हुए भी, जहां मैं पहले था, इतने सालों बाद आज भी मैं वही हूं, क्योंकि मेरे परिवार और मेरे समाज, मेरे आसपास के लोगों के पास ये भाषा आज भी नहीं है। लोगों के लिए या तो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उनकी ये जानकारी गलत नहीं है, बस अधूरी है, जिसे मैं बदलना चाहता हूं। मैं कबीर मान, मैं आज एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्स एजुकेशन के सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन बचपन से ही लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, बाकी सब शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बचपन का कबीर कई सारी लेयर्स के अंदर दबा हुआ सांस ले रहा था, लेकिन आज का कबीर आउट लाउड एंड प्राउड ट्रांसमैन है।